सारे धर्म पहली बात एक है, कोई धर्म अलग नहीं है, सब धर्मों की सब इज्जत करते हैं। बटोगे और कटोगे का नारा जो समझा गया है वो गलत समझा गया है। बटोगे कटोगे का क्या मतलब है, जैसे अगर कोई मुस्लिम जा रहा है तो हम उसको कहते हैं मुस्लिम जा रहा है, एक सरदार जा रहा है तो हम कहते हैं सरदार जा रहा है, एक क्रिश्चियन जा रहा है तो हम कहते हैं क्रिश्चियन जा रहा है। मुस्लिम में भी शिया सुन्नी है, सरदारों में भी अलग है, लेकिन हिंदुओं में क्या कर रखा है कि आप राजपूत हो, आप क्षत्रिय हो, आप बंगी हो, आप यादव हो, तो आप एक हिंदू हो जाओ। अगर कोई आदमी जा रहा है तो हिंदू जा रहा है, वो यादव या जाट या बंगी नहीं जा रहा। तो ये कहने का मतलब है, ये नहीं कहा कि बटोगे और कटोगे, बटोगे कटोगे मतलब ये कि आप एक ही रखिए। जब कोई सरदार जाते हैं तो मुझे बोलते हैं सिख जा रहा है, बात वहां नहीं। अखिलेश यादव कहते हैं कि टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके ये सब चीजें। टारगेट नहीं किया जा रहा किसी भी समुदाय का, उनको लग रहा है कि हमारे को टारगेट किया जा रहा है, किसी समुदाय के लिए नहीं है। जब मुसलमान लोग मिलने जाते हैं तो मोदी जी उनसे भी मिलते हैं, और जब सरदार मिलने जाते हैं तो उनसे भी मिलते हैं, क्रिश्चियन के मिलने जाते हैं उनसे भी मिलते हैं, हिंदू के तो मिलते वो किसी से नहीं। और किस किस का वो भला नहीं करे, अगर आप एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं तो क्या वो पूछते कि हिंदू हो या मुसलमान हो, तो कहते आप एक्सप्रेस वे पे जाइए, या अगर कोई आपको स्कीम लेनी पड़ती है तो क्या उसके लिए पूछा जाता है। दो बार प्रधानमंत्री बने हमारे देश के प्रधानमंत्री, कहते थे सबका साथ सबका विकास, अब कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। देश के प्रधानमंत्री को ये कहने की जरूरत है कि जो माइंड मेकअप है आप एक तो ठीक रखिए, जो माइंड मेकअप है वो मुस्लिम लोग ये सोचते हैं कि हमने तो पता नहीं क्या कर दिया, ये देश हमारा नहीं है, ये देश सारे मुस्लिमों का भी है, हिंदुओं का भी है, लेकिन वो एक सोचते हैं। अभी प्रयागराज मेले में ये कह दिया गया है कि अगर आप जो है मुस्लिम हो तो आप दुकान नहीं लगाएंगे, सिर्फ हिंदू ही दुकान लगाएगा। एक बात बताइए, जो सप्लाई आ रही है प्रयागराज में वो तो मुस्लिम उससे आ रही है सप्लायर से, तो मुस्लिम का कहां से मारा गया, मुस्लिम का कोई मारा गया? जो मुस्लिम है वो ऊपर बैठा हुआ है सप्लाई के लिए, जो हिंदू है वो दुकान लगा के वो मेहनत करके बेच रहा है। नहीं, 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 नहीं। मैटर वहाँ नहीं, आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा में कहा गया नेम प्लेट लगाओ, अब प्रयागराज में कह रहे हैं कि गैर हिंदू प्रतिबंधित है, तो विपक्ष ये कह रहा है कि एक समुदाय विशेष को जो है आर्थिक रूप से प्रतिबंधित किया। आर्थिक रूप से किसी को भी गलत नहीं किया जा रहा, जो फल का जो मेन टेंडर है आप आजादपुर मंडी में जाइए तो वहाँ मैक्सिमम 40% ही हिंदू है, 60% तो मुस्लिम है। जो कश्मीर से जो सेब आ रहा है वो तो मुस्लिम है, 90% जो सेब आ रहा है कश्मीर से वो मुस्लिम को उससे आ रहा है बाग से, आप कश्मीर में जाएंगे तो मुस्लिम ही बाग है, तो कहाँ से उनकी अर्थव्यवस्था को हम पहुँचा रहे हैं, ये बताइए। नहीं, कह रहे हैं कि हिंदू कट्टरवाद होता जा रहा है विपक्ष कह रहा है, और खड़गे जी ने तो ये भी कह दिया भगवा पहनने वाला आतंकवाद, योगी जी को टारगेट। कोई भगवा पहनने वाला पहली बात आतंकवाद ही नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात आतंकवाद तो अब खत्म ही हो चुका है हिंदुस्तान से। पहली बात, जो आतंकवाद जो मोदी जी के टाइम है इतना उन्होंने सख्ताई कर दी कि आतंकवाद तो 95% खत्म हो चुका है, 5% है वो भी खत्म हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये कहते हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है। बुलडोजर सबसे ज्यादा अगर चला उत्तर प्रदेश में समुदाय विशेष पे चला, क्राइम सबसे ज्यादा किसने किया है, क्राइम सबसे ज्यादा किया, अगर कोई मुस्लिम लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा है तो उसका घर टूटा है, उसका घर तोड़ेंगे। इनकाउंटर भी तो सबसे ज्यादा हुआ सर हमारे यहाँ पे, चार गैंगस्टर का हरियाणा गुरुग्राम के अंदर चार गैंगस्टर की हवेलियां ढाई गई हैं, वो तो हिंदू थे, वो तो मुसलमान नहीं थे। खट्टर ने हिलाई ना, जो मनोहर लाल खट्टर थे उन्होंने हिंदू गैंगस्टर की भी ला दी। मनोहर लाल खट्टर ने पहले दिन ही कह दिया था कि अगर आप क्राइम की दुनिया छोड़ के सरेंडर करोगे तो जी जाओगे, अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो मैं आपका बुलडोजर चला दूंगा। तो हमारे गुड़गांव में कौन से योगी जी है जो बुलडोजर चल गया, और कौन सा मुस्लिम है, एक गैंगस्टर बता दीजिए मुस्लिम है जिसके घर बुलडोजर कराओ। आपका जो है गाडोली था और अभी कौशल गैंग है, ये सारों के घर पे बुलडोजर चला गया है और बुलडोजर आगे भी चले गई। अच्छा, विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि धर्म को जोड़कर राजनीति कर रही है बीजेपी, धार्मिक माहौल गर्म करके राजनीति कर रही है बीजेपी, बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं बीजेपी विफल हो रही है, इसलिए इस प्रकार का उन्माद फैलाकर राजनीति कर रही है बीजेपी, आपको लगता है ऐसा हो रहा है? सर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, पहली बात तो ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान, अफगानिस्तान का मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान, पहली बात ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का राष्ट्र है पहली बात, और दूसरी बात इसमें सारे ही जो रहते हैं तो सबका वेलकम है, वो सब रहते हैं। पहली बात, जितने भी औरंगजेब के टाइम में जो हिंदू थे वही तो मुस्लिम बने, जब उनको मुस्लिम बनाया गया तो वही मुस्लिम है, और उन्हीं का जब देश ये रह गया, जब उनका देश है तो आप अपने देश के प्रति जो है वफादारी रखिए, आप उसके प्रति जो है गद्दारी क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो टेररिस्ट है
हैं। आप कहते हो जी टेररिस्ट जो है आ रहे हैं, कोई टेररिस्ट जितने भी अब आ रहे हैं, अब 95% जो है रुक गया है, नहीं आ नहीं रहे हैं सर। कह रहे हैं जो भगवा पहनते हैं वो कट्टर होते जा रहे हैं, वो कट्टर बिल्कुल होंगे। हम लोग क्या करें, मेरा सिलमपुर के अंदर घर है, ई ब्लॉक के अंदर, आज मैं उस घर में जाने से डरता हूँ। मैंने मुसलमान किराएदारों को दे रखा है, वो मेरे को नहीं आने देते। पूरा सिलमपुर के अंदर 1971 में इंदिरा गांधी ने बसाया था, उसके अंदर 100% मुस्लिम थे, आज वहाँ ओनली 1% मुस्लिम है। ऐसा क्या हो गया कि आपने एक मुस्लिम मैंने किराएदार को घर दिया तो वहाँ पे क्या हो गया कि सारे मुस्लिम आ गए, वो घर हमारे को अब छोड़ना पड़ा है। वो मेरी जो प्रॉपर्टी है, ना मैं उसको बेच सकता, ना मैं उसका किराया ले सकता, मैं उस प्रॉपर्टी को जाके देखता हूँ। सिलमपुर में ई ब्लॉक में 81 नंबर मेरा अपना घर है, मैं उस प्रॉपर्टी पे नहीं जा सकता, मैं खुद भुक्त भोगी हूँ। ये समस्या है, हाँ जी ये समस्या आई है। तो ये समस्या लॉ एंड ऑर्डर है, सरकारें हैं, पुलिस व्यवस्था है, प्रशासन है। सर मेरे फादर की डेथ हो गई है, पिछले 28 साल से केस चल रहा है उसके ऊपर, 28 साल से उस प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है, 28 साल से फैसला ही नहीं आया है। तो ये बताइए कि आज जो सिलमपुर का जो एरिया है उसमें मुस्लिम हो गए तो वह हिंदू क्यों नहीं रह सकता, ये बताइए। आज मुस्लिम जो है सारे बंदे ये कहते हैं कि भाई हिंदू जो है सेफ है। जहांगीरपुरी इलाके में बताइए कितने हिंदू रहते हैं, आपका सिलमपुर में देखिए कितने जो है उन्होंने कर दिया, तो बस यही है। और भगवा जो हम कट्टर हो रहे हैं ना, हम तो अपने देश के प्रति हैं, हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं। कल तक फेसबुक यूट्यूब नहीं था, जब हम केदारनाथ जाते थे तो हम एक फोटो वीडियो नहीं डालते थे, पर आज हम फोटो वीडियो डाल रहे हैं तो कह रहे हैं कट्टर हो रहे हैं। तो ये कट्टरवाद नहीं है।